अचार डालूंगी मैं तो, बुआ को एक दे दो, बाकी मैं अचार डाल के आपको भेजूंगी। इसका बहुत बढ़िया, ठीक है, क्या मस्त नींबू है, पीछे रख देना। और आज हम लोग स्विट्जरलैंड है, देखो कैसा वाला मौसम है स्विट्जरलैंड में। आज हम लोग स्विट्जरलैंड है, कहाँ हम लोग, कहाँ है आज हम स्विट्जरलैंड में है, हिमाचल का स्विट्जरलैंड। हाँ, हिमाचल में आप खोज कीजिएगा, हिमाचल में भी स्विट्जरलैंड है। यस, तो हम वापस ओक ट्री होम स्टे में आ गए थे रात को, और उसके बाद हम लोग निकल रहे हैं। पैकिंग हो गई है, लोडिंग हो गई है, और अब हम यहाँ से निकलेंगे शिमला। और यहाँ का व्यू देखें, बारिश ही बारिश। कल मैंने 3 घंटे ड्राइव करी बारिश में, अंधेरे में, मजा आ गया, पर रास्ता बहुत खराब हो गया है। पर ये देखो, ये दोनों लल्लू पंजू से बंदर, दो मंकी, डंकी मंकी फैलो। कहाँ जा रहे हम, मजे आए कल, मजे आए कल। ये भैया से फिर से मिलते हैं हम लोग। भैया के हाथ के आलू के पराठे खाए रात को, बहुत अच्छी बनी थी आलू की सब्जी और रोटी। हाँ, आलू के पराठे भी अच्छे थे, थोड़ी स्पाइसी थी। हाँ, अच्छी थी। तो हम वापस आ गए, देखिए हमने आपको प्रॉमिस करा था ना कि हम वापस आएंगे, कहीं और जा रहे थे, वापस आ गए यहाँ। तो मिलते हैं, अब आप आइएगा राजस्थान। हाँ, अब तो हम लोग सीधे यहाँ आया करेंगे, ये सामान लोड हो गया है। ये देखिए हमारा लोडिंग, ये मेहनती बॉय सौरभ जैन एस जे, और सब लोग जी, ये भी एस जे सुभम जैन, एस नाम के लोग अच्छे होते हैं। तो चले भाई, हो गए यो चीजा सा के खास के लिए। चलो एक ग्रुप फोटो लेते हैं गाड़ी के साथ, सफर पे। तो आप हमारे साथ फॉलो करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे, और लाइक एंड शेयर, ठीक है, सब्सक्राइब करें प्लीज हमारे चैनल को। ओ भाई, चले भाई, सब तैयार हो गए, ऑन सेट, सब लोग चल रहे हो ना? यस। कहाँ चल रहे हैं? अब हम लोग जा रहे हैं सब बेकार है। अब आपको स्मृति याद आएगी कुछ दिन। यस, अभी याद आने लगी, यहाँ आते ही है जी आई नारकंडा का, देखते देखते स्मृति याद आ गई। वहां देखा था कोई, नो ट्रैफिक, क्या मस्त रोड, क्या बड़े बड़े पहाड़े, खराब रोड भी यहाँ के अच्छे रोड से अच्छा। हाँ, वहाँ इतना खराब रोड में भी दिक्कत नहीं हो रही थी, और क्या, ना बारिश भी नहीं मिली जी आज एक भी दिन अपन को, वही सबसे बढ़िया चीज होगी अपने लिए। ठंड मिली पर बारिश वारिश कुछ नहीं मिली। तो यहाँ देखो तो क्या फायदा, हीरो बनना है, शिमला आ गए हैं, पार्किंग में गाड़ी लग रही है, और ये सब इंतजार कर रहे हैं। फालतू है बारिश में, माल रोड में क्या घूमोगे, अच्छा लिफ्ट लिफ्ट
अब ये देखो यहाँ पर सब बैठे हैं, नहीं हम लिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं, लिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं, हम पूरे गीले हो चुके हैं और गाड़ी पार्किंग के लगाकर यहाँ से लिफ्ट से जाएंगे, फिर छाता खरीद। यहाँ लिफ्ट की जद्दोजहर चल रही है और हम एक लिफ्ट से दूसरे लिफ्ट में जा रहे हैं, पहले एक लिफ्ट से हम दूसरे लिफ्ट में जा रहे हैं और इतनी बारिश हो रही है कि हम शिमला का माल रोड क्या घूमेंगे, बारिश बहुत तेज है। ये दूसरा लिफ्ट है, पहले हम फर्स्ट लिफ्ट से ऊपर आ गए, अब ये दूसरा लिफ्ट है। पूरे भाई हालत देखो, बारिश इतनी तेज, हम ऑलरेडी गीले हो चुके हैं, छाता लेने जा रहे हैं कुछ फायदा नहीं है, छाते की परचेजिंग चल रही है नहीं चल रही है, और हमारे पास अभी अम्ब्रेला नहीं है और हम लोग इसके अंदर बंधे हुए हैं, अभी अम्ब्रेला लेके आएंगे तब जाके हम लोग कहीं निकल पाएंगे। यहाँ बहुत बारिश हो रही है बहुत, और हम लोग सब छातों में घूम रहे हैं, देखो सब लोग छातों में माल रोड में घूम रहे हैं, हमने कलरफुल छाता लिया है और सांस फूल रही है बहुत ज्यादा। ये देखो 1 2 काशी कहाँ है, हम लोग कहाँ है, ये बातें दुकानों में घुस रही है काशी, बहुत तेज भूख लग रही है। अबे मैं तो काशी को लेकर चला अपने साथ, प्लीज बेटा हम अकेले छूट जाएगी बेटा, उसका भरोसा नहीं है, बहुत ठंड हो रही है, उधर बंद करके लेकर चालू होती है, रुको सब भूख लग रही है, कहाँ जाना है, भाई चालू करें अंकल। हाँ जी जी, नमस्ते अंकल, क्या हाल चाल, हम 15 साल बाद आपसे मिल रहे हैं, 15 साल नहीं, बीच में भी मिलने आए थे 2012 में, हम आपसे मिले थे, उसके बाद इनको हमेशा आपका याद आती रहती है और ये सबको बताते रहते हैं। चले क्या खिला रहे हो अंकल, स्वीट कॉर्न खिलाओ, बढ़िया बढ़िया। अब हम लोग यहाँ स्वीट कॉर्न खाने जा रहे हैं, साल बाद ही वैसे के वैसे ही है। अरे तुम तो आंटी भी साथ में रहती थी ना, हाँ जी ओके, हाँ तब तो आंटी भी थी साथ में, चले हम लोग स्वीट कॉर्न खाते हैं, फिर मिलते हैं। तो भाई क्या हालचाल, कैसा लग रहा है यहाँ आके जीजा, बारिश इतनी तेज है और हम लोग यहाँ आए हैं, ये है आपका क्या, आपका क्या यहाँ का नाम क्या है, क्या अर्चना जी मजा आया, अब हम लोग शिमला के माल रोड में हैं, बस एक बात की बहुत दिक्कत हो गई, पानी पड़ रहा है, बारिश हो रही है और बिना छाते के तो हम कहीं जा नहीं, और हमने यहाँ की निशानी ले ली, चाहते सब चाहते हमने आ नहीं सकते, कभी भी आ सकती है। बाकी यहाँ का माल रोड में आपको दिखाऊं, हम लोग अभी शिमला में हैं, देखे अर्चना दीदी ने क्या क्या लिया, दिखाओ अर्चना दीदी, मैंने एक अम्ब्रेला लिया है, यस, और अभी और सामान बन रहा है, पर वहाँ खाना जहाँ खाया था वो कहाँ था, वो नहीं अच्छा था, क्या नाम था, गुप्ता भोजनालय, खाना बिल्कुल बेकार था, जैसा हमने सुना था उसका नाम था उस हिसाब से तो हमें बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा, और एटीट्यूड भी अच्छा नहीं था उनका, यानी कि हमें कुल मिला के वो बिल्कुल ना पसंद आया, तो बाकी लोग भी बड़े अजीब से थे। ये देखिए यहाँ शॉपिंग चल रही है, कोई बात नहीं थोड़ी से आ ही जाएंगे, सकल अच्छी मिलते हैं, केक एंड पेस्ट्रीज बहुत अच्छा है, और हमने जहाँ पर कॉफी पी वो भी बहुत अच्छी जगह है, बारिश की वजह से और हम एकदम खाली हो गया है रास्ता,
उसी के लेके आ रही हूँ। हाँ, और मैं आपको दिखाऊं, मैंने एक भैया की यहाँ से कॉफी पी, बहुत अच्छा है। क्या पूरी दुकान ही खरीद ली? नो जीजा जी, क्या हालचाल है, कैसा लगा? हाँ, बहुत बढ़िया है। काशवी फूफा जी के साथ रहो, और आपको मैं दिखा सकती हूँ यहाँ का माल रोड, और ये पूरा माल रोड है। ठंड बहुत है जहाँ हमने कॉफी पी। मैं आपको वो जगह दिखाना चाहती हूँ, मार्केट बिल्कुल बंद हो गया है। शिमला मुझे तो मज़ा नहीं आया, बारिश बहुत है और खाने पीने की भी सुविधा इतनी नहीं है। मतलब सुविधा है, हम लोग प्योर वेजिटेरियन हैं तो हमने इसलिए वो भोजनालय में गए थे, कुछ भी अच्छा नहीं था, वहाँ के लोगों का बिहेवियर भी अच्छा नहीं था। सिर्फ बारिश ही बारिश है और माल रोड है और कुछ नहीं। बाकी हम लोग जहाँ से आए, चितकुल बेस्ट है। मैं प्रेफर करूँगी कि आप लोग चितकुल रुके दो दिन, काजा भी अच्छा है। अगर आप शिमला आए तो यहाँ की कॉफ़ी पीजिएगा। और ये भैया बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाई, तो आप लोग जब यहाँ की कॉफी पीजिएगा। क्या नाम है यार? मेरा नाम मोहन है जी, हाइड आउट कैफे, और ये नरेशन है। यस, बहुत अच्छे सेफ है और बहुत अच्छी कॉफी बनाई। बाकी कुछ अच्छा नहीं लगा मुझे, खाली कॉफी अच्छी लगी, काटा अच्छा नहीं लगा, पर कॉफी बहुत अच्छी लगी। अच्छा, बहुत ये बहुत बड़ी, कल नहीं आना मेरे को, आज ही रुक के बहुत बड़ा वो हो गया। पर नहीं, यहाँ की कॉफी बहुत अच्छी है, और खाना मैंने टेस्ट नहीं करा, ये गलती हो गई, हमने सोचा था। हाँ, ये देखिए गेस्ट जा रहे हैं, ये सारे हैप्पी कस्टमर्स हैं यहाँ के, और यहाँ के सेफ, और ये भी बहुत अच्छे हैं। मेरे से गलती हो गई कि हम तो प्योर भोजनालय में जाने की कोशिश करी। आप आते हैं ना यहाँ पे, हम आपको जैन भी बना देंगे। हाँ, तो पर कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस बहुत बड़ी भी चीज है, और 10 दिन से बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए हैं, तो प्लीज हाँ जब भी शिमला आए तो इस कैफे का कॉफी जरूर पीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा, ठीक है? थैंक यू भैया, और आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिएगा। तो पापा, शिमला कैसा लगा आपको पूरे टूर में? बेटा, दिस इज माय फेवरेट डेस्टिनेशन, आप लोग देखो कैसा है। चल चल, पूरे इस ट्रिप में टॉप बेस्ट थिंग्स में से शिमला है मेरी लिस्ट में, तो क्योंकि ये शिमला का जो अभी, मेरा नॉर्मल का तो नहीं पता, मुझे अभी का जो एटमोसफेयर है ना, वो तो बेस्ट है। मतलब सपने से कम नहीं लग रहा था यार, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं पिक्चरों में आ गए भाई बॉलीवुड की। अभी हमने बहुत कुछ मिस कर दिया, हमने भी बहुत कुछ मिस कर दिया। अभी कैमरा था नहीं हम पे उस टाइम पे, पर इस मौसम में, मतलब इस क्लाइमेट में मजे आ जाएंगे आपको, जब आपको सिर्फ बारिश, फॉग, बादल और इंसान दिखेंगे सामने से आते, और लैम्प। भाई लैम्प की लाइट तो अलग ही खिलकर आती है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आज का दिन, आज की पूरा दिन और नाइट हमारी बड़ी खराब निकली, क्योंकि बारिश ही बारिश के वजह से सब कुछ गड़बड़ था, पर सीन अच्छे थे, और फूड इतना बुरा मिला, वो पता नहीं कौन सा भोजनालय था, कौन सा भोजनालय था, गुप्ता भोजनालय, हम प्योर वेजिटेरियन के चक्कर में वहाँ गए, तो वो अच्छा नहीं था, ठीक है भगवान, हाँ ये मान लो। और वहाँ के जो ओनर्स थे वो भी बहुत बेकार थे, ठीक है, मतलब अच्छा नहीं था। अभी यहाँ पे जस्ट है, ये पूरा प्योर वेज है, यहाँ वेजिटेरियन फूड्स मिलता है, और हमने अब यहाँ पर थोड़ा ऑर्डर दिया है, आपको मिलाते हैं।
कहाँ यहाँ किचन है। चले चले, हमारा बस तैयार हो रहा है। हमारे सैफ साहब है, सैफ साहब हमारे पिज्जा बना रहे हैं वहाँ पर। पिज्जा वो पैक करना है ना, पैक करा दीजिएगा। और प्राइस भी सही है, कोई ज़्यादा नहीं है, सब कुछ सही है। तो जब भी आप लोग यहाँ जरूर आए। और शिमला बाय बाय।